बहुत मस्त होकर गा रहे हैं आज लग रहा है आज पूरे मंडल के साथ धूमधाम से आए हैं। चलिए आपका स्वागत है इस बिल्लौर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि जब हम आपके शहर जाएंगे तो आप हमारा स्वागत करोगे। एक धुन बजी जी, जी, जी। कामना है जो इतनी दूर से ये आशीर्वाद हमारे तक पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। आइए, मैया ने एक एक करके उनकी उस वेशभूषा का कारण पूछा और भगवान शंकर कितने प्रेम से उसका उत्तर दे रहे हैं। सुनिए, मैया ने कहा,
धारण किए हो। गंगा मैया तो धरती पर निवास करती हैं, थल की निवासिनी हैं, धारा बनकर बहती हैं, लेकिन आप उनको सर पर बिठाए हो। तो देखिए भगवान शंकर जवाब क्या देते हैं, कहना है जवाब देते हैं। कहा के भाल पे धारा Yeah.
बात। अब भगवान शंकर मैया के दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या कहने लगे कि तीज नयन की ज्वाला हो, इसलिए कि तीज नयन की ज्वाला से मेरा मस्तक जल जाता है, तीज नयन की ज्वाला से मेरा मस्तक तप जाता है। चंद्रमा है ठंडा तो, चंद्रमा है ठंडा तो ठंडक सर को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुई है महामाई से। ये इसके प्रोपराइटर आदरणीय श्री संजय सिंह राजपूत जी हैं, उनकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। प्रभु से ईश्वर से कामना करूंगी कि आपका ये लाइट हाउस दिन दूनी रात चौगनी रोशनी दे और सारी दुनिया में जगमगाए, कहना है। अब प्रभु भगवान शंकर तीसरी बात का निवारण कर रहे हैं और क्या सुनिएगा, कहना है कि राख मसान का मेल है, रहते हैं। बहुत ही प्यारी बात है, सुनने लायक बात है। मैया ने कहा ये तन पर आप राख क्यों लपेटते हैं, तो देखिए मैया भगवान जवाब क्या देते हैं, सुनिए। कि राख मसान का मेल है, मैं इसमें राम को पाता हूँ। सही बात है बेटा, राम का मेल है। राख और मसान, आप देखिएगा शमशान में मसान में राख पाई जाती है। शव को जलाने के बाद जो राख मिलती है उस राख का रा ले लीजिए और मसान का माँ ले लीजिए और उस मसान में उस राख में मुझे प्रभु श्री राम दिखते हैं। तो मैं ये, क्योंकि जब आप लोग किसी मुर्दे को ले जाते हैं तो कहते हैं जय राम जय श्री राम, राम नाम सत्य है, कहते हैं राम नाम सत्य है। तो बस इस राख में Oh,
सवाल किया था कि ये आपके पास शेषनाग यानी इतने विषैले विषैले सर्प को क्यों आप पाल रखे हो, तो देखिए प्रभु कितना सुंदर जवाब देते हैं। चाचा कितना सुंदर जवाब देते हैं, कहने लगे कि मेरे हृदय ना आ जाए देता है कि इसके अंदर कोई गलत व्यक्ति प्रवेश ना करे, कोई गलत व्यक्ति प्रवेश ना करे। बस ये उसी बात का अर्थ है। कहने लगे भगवान शंकर कि मेरे हृदय ना आ जाए दुर्भावना का भक्षक है, मेरे हृदय ना आ जाए दुर्भावना का भक्षक है। मैं विषधर तो ये विषधर, मैं विषधर तो ये विषधर, मेरे हृदय का रक्षक है, कह रहे हैं कि मैं विषधर तो ये विषधर, मैं विषधर तो ये विषधर, मेरे हृदय का रक्षक है। इसलिए कि किशन हरि ओ लवर लवर खबर खबर ना करके सीधे काम पे चलते हो, अपना काम किया नीचे तुम्हारे यहाँ रायता फैल गया। ये रायता है तो क्या यार, जवाबी जवाबा कुछ नहीं है, इधर की लेना देना है। अब देखिए एक आपने गीत और दिया है, कौन सा दिया कि प्रेम की गली में एक छोटा सागर बनाएंगे, घर सजाएंगे क्योंकि झीमिल सितारों का आंगल होगा, तो रिमझिम बरसता बादल होगा।
तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उर मुझे मुबर पे धारा चंदा क्यों, शीश पे धारी गंगा है। क्या बात है, क्या बात है। देखो मेहनत करो, मेहनत 101 रुपए बच्चे को इनाम मिला है, तुम्हें भी मिलेंगे, लेकिन मेहनत करो हमारे बच्चों की तरह। कि भाल पे धारा चंदा क्यों, शीश पे धारी गंगा है, सारे तन पे भस्म रमाए, हृदय के पास भुजंगा है। तो काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है, कारण है क्या इन्हें धारण किया है। तीन चीजें गाई है, तुम दोनों लगा दो। अब आपने दो चीजें छोड़ दी हैं। कौन सी? वो दोनों चीजें मैं गा रहा हूँ, सुनिए। बताओ दो चीजें जो छोड़ी हैं आपने। और गौरा पूछ रही है और भगवान शिव जवाब दे रहे हैं। क्या? ये गले में पड़ा ये स्वामी, ये किस कारण है? आप बताओ, अब बताओ तबीयत कैसी है? आप कैसी लगी? के गले में पड़ा ये स्वामी, कौतुक निराला है, सिर्फ नारी मुंड जिसमें कैसी मुंड माला है। काहे को नात इन्हें धारण किया है, किसके दुखों का निवारण किया है। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ए गौरा जरा सुनो। ये है बरेली का सूरमा। सूरमा नहीं, सूरमा। आंखों में लगा लोगे टाइट छूट जाएगी। जन्म जन्म से गौरा मेरे जीवन की तू साथी है,
कि जन्म जन्म से गौरा मेरे जीवन की साथी है। जब जब नासिब तुम्हारा होता तू मेरे गले पड़ जाती है, मेरे गले पड़ जाती है, मेरे गले पड़ जाती है। ये गौरा कार्य नहीं मैंने अकारण किया है, तुम्हारे दुखों का ये निवारण किया है। दूसरी बात सुनिए, सुनाइए। गौरा कहने लगी है भोलेनाथ, क्या कहने लगी? ए नाथों के नाथ भोलेनाथ, बताए समझो मीनू, सुनो सुनाइए। परसों को नाथ क्यों समाधि तुम लगाते हो, नाथ सारे जग को भूल जाते हो, तो ध्यान योग में क्यों स्वामी, अरे भैया ध्यान योग में क्यों स्वामी निस्तारण किया है, अपने दुखों का क्या निवारण किया है। तब भोलेनाथ कहने लगे गौरा, ए गौरा तनी सुनो, सुनाओ। अरे सुनल बाटे, जब जब तुमको खोता हूँ गौरा, कि जब जब तुमको खोता हूँ तो प्रभु में लीन हो जाता हूँ, तेरी ही यादों में गौरा विलीन हो जाता हूँ। कार्य नहीं मैंने ये अकारण किया है, ओ गौरा जो भी किया है तेरे कारण किया है। शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, सच्चे दरबार की।